वालेकुम, वेलकम टू शबनम फूड रेसिपीज़। ये सोया चाप है, मैंने आधा किलो सोया चाप ली है जिसकी मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ ग्रेवी में। सोया चाप की ये स्टिक है, इसमें हम पहले इसकी स्टिक निकाल लेंगे इस तरह से करके। इस तरह से हम सारी स्टिक निकाल लेंगे इसकी। ये मैंने सारी स्टिक निकाल ली है इसकी। अब हम इसको इस तरह पीस काट लेंगे इसके। सारे पीस इस तरह से काट लूँगी मैं। मैंने सारी स्टिक काट ली है। और ये मैंने 6 टमाटर लिए हैं इसकी ग्रेवी के लिए, 2 हरी मिर्चें लिए हैं और 5 लहसुन लिया है मैंने कली हैं। 5 लहसुन की से हम इसको हम पीस लेंगे। मैंने तेल रख लिया है, गर्म हो गया तेल, ये मैं इसमें डाल दूँगी पीस कटे हुए। हम पहले फ्राई कर लेंगे इसको। ये मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये चाप फ्राई हो गई है, ये 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे थी और 2 मिनट के लिए मैंने तेज फ्लेम कर दी है इसकी। कितना अच्छा कलर आया, सुनहरा सुनहरा इसका। और पहले से फूली भी गई है देखिए, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये मैंने 3 प्याज काट ली थी बारीक, अब हम इसको फ्राई करेंगे इसी तेल में। गोल्डन फ्राई करनी है प्याज। इतने प्याज फ्राई हो रही है इतने मैं इसमें 5 चम्मच दही डाल रही हूँ। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है कूटा हुआ। आठ चम्मच से थोड़ा गरम मसाला है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इसमें डलेगी। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बहुत थोड़ा सा नमक डालूंगी इसके अंदर और बाकी मसाले में डालेंगे हम। इसको मिक्स करके एक साइड में रख देते हैं, तो हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, इसे निकाल लेते हैं। प्याज ब्राउन हो गई, हम गैस बंद कर देते हैं। प्याज निकाल लेंगे हम। मैंने तेल इसमें थोड़ा कम कर लिया है। इसमें दालचीनी डालेंगे और 3 लौंग डाल रही हूँ। ये टमाटर जो हमने पीसे थे ये इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह भून लेंगे इसको। मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधी चम्मच से कम हल्दी डालिए और 1 चम्मच भर के धनिया और आधा चम्मच और 1 चम्मच से थोड़ा कम डालने का पाउडर है ये हम डालेंगे इसमें। और अच्छी तरह भून लेंगे मसाला। ठीक है, मैं चम्मच डाल रही हूँ इसमें। अब अपने सेहत के अकॉर्डिंग डालिए। हल्की आँच पे मसाला भून लेंगे अच्छी तरह से। ये प्याज हमने ग्राउंड करी थी तो हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। ब्राउन प्याज पीस लिए मैंने, भाई इसको मसाले में डाल दूंगी मैं। थोड़ा पानी डाल के भी मैं इसमें डाल दूंगी।
अच्छी ग्रेवी बनने वाली है चाप की। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मसाला भुन गया अच्छी तरह से, अब इसमें चाप डाल देंगे। ये हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसको डाल देंगे इसके अंदर। उसके अंदर ये मसाला, इसके अंदर पानी डाल के इसे भी डाल देंगे हम। पानी डाल दूंगी इसके अंदर, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। 5 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी, रख देते हैं। ये 5 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं इसको। 5 मिनट हो गए पकते हुए। मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसे चला के मैं डिश आउट कर देती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी। आप भी ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। आपके मेहमान आए, फटाफट बना सकते हैं, ये बहुत आसान है बनाना। देखिए कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। आप भी ज़रूर बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, जो भी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।